पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई। जैसे ही वहां आग लगी वैसे ही हड़कंप मच गया। फैक्ट्री से निकलते भयंकर धुएं को देख लोग सहम गए। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू करने में जुट गई। हादसे में फैक्ट्री में काम करने वाले एक शख्स की मौत हो गई जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। गत्ते की फैक्ट्री में आग कैसे लगी अभी इसकी कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों में चर्चा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकती है। जानकारी के अनुसार 1 बजे के आसपास दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2020 में एक पेपर प्रिंटिंग प्रेस में आग लगी थी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 30 गाड़ियां पहुंची थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। पटपड़गंज पूर्वी दिल्ली का एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और आनंद विहार से सटे इस इलाके में कई फैक्ट्रियां हैं। न्यूज रूम से आंचल मित्तल की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।